नमस्कार, मैं हूं अनपा मनूप। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। विदिशा जिले के ग्यारसपुर में दफ्तरों और नगर में सैनिटाइजर छिड़काव किया जा रहा है। आपको बता दें कि ग्यारसपुर ग्राम पंचायत में कुछ दिन पूर्व ही नगर के गली मोहल्लों में पहुंचकर सैनिटाइजर का छिड़काव किया गया था। वहीं दूसरी ओर ग्राम पंचायत में आने वाले ग्राम के लोगों को सैनिटाइजर से हाथ धुलवाने के बाद ग्राम पंचायत में प्रवेश दिया जा रहा है। साथ ही शासकीय दफ्तर एवं सार्वजनिक स्थलों पर लगातार सैनिटाइजर का छिड़काव किया जा रहा है। साथ ही थाना में बॉडी सैनिटाइजर की व्यवस्था भी की गई है। ग्राम पंचायत के सचिव से बात करने पर उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस की महामारी के चलते सुरक्षा की दृष्टि का ध्यान रखते हुए यह कदम उठाया जा रहा है एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया जा रहा है और ग्रामीणों से आह्वान किया जा रहा है कि कोई भी बेवजह अपने घर से ना निकले, अपने घरों में रहें, सुरक्षित में रहें। अधिक जानकारी के लिए आइए देखते हैं विदिशा से हमारे रिपोर्टर आशीष सहेले की रिपोर्ट। इससे आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं सभी ग्राम पंचायत वासियों से निवेदन करना चाहता हूं कि इस महामारी को रोकने के लिए जो लॉकडाउन प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया है, इस लॉकडाउन का पालन करें और इस बीमारी को हमारे ग्राम में ना प्रवेश होने दें। सभी ग्राम वासियों से एक ही निवेदन है, इस लॉकडाउन का पालन करें और इस बीमारी में जो भी सावधानी बरती जाए, जो बताई गई है वो सावधानी बरते, डिस्टेंस बना के रखें और हमारे मास्क लगा के रखें और इस बीमारी से हम सभी बचें, ये हमारा ग्राम वासियों से निवेदन है। सचिव साहब, अपनी ग्राम पंचायत के द्वारा क्या क्या व्यवस्थाएं की गई है जो कोरोना महामारी के चलते? महामारी के चलते ग्राम पंचायत द्वारा सबके सैनिटाइज से हाथ धुलवा रहे हैं, मास्क वितरण कर रहे हैं जी। इसके बाद अपने गाँव और पूरे क्षेत्र में अपन ने सैनिटाइज की दवाई छिड़वाई करवाई जी। और नालियों में जहाँ जहाँ गंदी है अपन सफाई कर रहे हैं जी। इसके बाद भी यदि कोई हैरान परेशान मुंह को प्यासा आता है तो उसे भोजन भी दे रहे हैं जी। कुछ लोगों ने ऐसे कुछ अनाज भी दिया है जी। जी अपन अपनी तरफ से शासन के निर्देश अनुसार फंड व्यवस्था कर रहे हैं और अपने सहयोग से भी और लोगों के सहयोग से भी अपन फंड इकट्ठे कर रहे हैं और जन सहयोग से भी देंगे। द खबरदार हिंदी न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए द खबरदार हिंदी न्यूज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को